ओम। प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। प्यारे बच्चों, नैतिक शिक्षा की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ नंबर 14 का वाचन करेंगे, जो कि एक बहुत ही सुंदर कविता है। और जैसे मैं गाऊंगा, उसी प्रकार आप भी इसको गाने का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे और इसको याद भी करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमने ली है फकत एक तुम्हारी शरण, हमने ली है फकत एक तुम्हारी शरण, हे पिता और कोई सहारा नहीं, पतित पावन प्रभो आसरा दो हमें, पतित पावन प्रभो आसरा दो हमें, आसरा और कोई हमारा नहीं, ना तो विद्या न बुद्धि न भक्ति कबल, ना तो विद्या न बुद्धि न भक्ति कबल, आत्मा पे चढ़ा पाप कर्मों का मल, बिन तुम्हारी दया के न सकते संभल, बिन तुम्हारी दया के न सकते संभल, तुमने किस किस को स्वामी उबारा नहीं, सारे जन्मों में भगवन भटकता रहा, सारे जन्मों में भगवन भटकता रहा, मुक्ति पाने को हरदम तरसता रहा, यह विनती है मेरी पिता मान लो, यह विनती है मेरी पिता मान लो, हाथ आगे किसी के पसारा नहीं। बेटा, ये है हमारा आज का पाठ। अब मैं आपको इसका अर्थ समझाता हूँ। इसमें शरणागति मतलब जो भी कविता को बोलने वाला है वो परमात्मा के साथ अपने परमात्मा की शरण में जा रहा है और परमात्मा से क्या प्रार्थना कर रहा है कि हमने ली है फकत एक तुम्हारी शरण, हे प्रभु, हे परम पिता परमेश्वर, हे परमात्मा, हमने केवल आपकी ही शरण ली है, आपकी ही हमने शरण ली है। शरण होता है मतलब परमात्मा के दर पर जाना, परमात्मा के स्थान पर जाना। हे पिता और कोई सहारा नहीं, हे परम पिता परमेश्वर, हे प्रभु, आपके अलावा हमारा दूसरा कोई सहारा नहीं है। हमने सिर्फ आपकी शरण ली है और आप ही हमारा सहारा हैं, आपके अलावा दूसरा कोई हमारा सहारा नहीं है। पतित पावन प्रभु आसरा दो हमें, हे परमपिता परमेश्वर, हे प्रभु, हे पावन प्रभु, आप हमें आसरा दो, अब आप हमें सहारा दो। आसरा और कोई हमारा नहीं, हमारा आपके अलावा और कोई भी आसरा नहीं, कोई भी सहारा नहीं है। प्रभु, आपकी ही शरण ली है, आपकी ही शरण में आए हैं हम, और आप ही हमारा आसरा और सहारा हैं। आपके अलावा हमारा ना कोई दूसरा सहारा, ना कोई आसरा है। ना तो विद्या न बुद्धि न भक्ति कवल, हे परमपिता परमेश्वर, हे प्रभु, हमारे अंदर ना तो विद्या है हमारे पास, ना हमारे पास बुद्धि का बल है, और ना ही हमारे पास भक्ति रूपी बल है। और क्या है? आत्मा पे चढ़ा पाप कर्मों का मल, और हमारी आत्मा पे, हमारी बुद्धि पे, हमारे मन पे, हमारे विचारों पर जो है वो पाप रूपी कर्मों का मल चढ़ा हुआ, अर्थात मैल चढ़ा हुआ है। हे प्रभु, हमारे पास ना तो विद्या का बल है, ना बुद्धि का बल है, ना भक्ति का बल है, और हमारी आत्मा के ऊपर पाप कर्मों का मल चढ़ा हुआ है। बिन तुम्हारी दया के न सकते संभल, हे प्रभु, जब तक आपकी कृपा ना हो, आपकी दया हमारे ऊपर ना हो, तब तक हम संभल नहीं सकते हैं। तुमने किस किस को स्वामी उबारा नहीं, हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, तुमने अर्थात आपने किस किस को उबारा नहीं, ऐसा कौन सा प्राणी इस संसार में जिसका कल्याण नहीं किया आपने, अर्थात आप सभी के कल्याण करने वाले हो, सभी का हित करने वाले, तो प्रभु आप हमारा भी कल्याण करो। इस संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसका कल्याण आपने नहीं किया। उबारा मतलब कल्याण करना। सारे जन्मों में भगवन भटकता रहा, हे भगवन, हे प्रभु, मैं अपने संपूर्ण जन्मों में हमेशा हमेशा भटकता ही रहा हूँ, मुक्ति पाने को हरदम तरसता रहा, और अपने जीवन से मुक्ति पाने के लिए हमेशा तरसता रहा हूँ, कहीं भी मुझे मुक्ति नहीं मिली है। यह विनती है मेरी पिता मान लो, हे परम पिता परमेश्वर, पिता का अर्थ बेटा भगवान के लिए कहा गया है, हे परम पिता परमेश्वर, ये मेरी विनती है, विनती का अर्थ होता प्रार्थना, यह मेरी प्रार्थना है आपसे, यह विनती है प्रभु आप मान लो, हाथ आगे किसी के पसारा नहीं। हे प्रभु, मैंने आज तक किसी के आगे हाथ नहीं पसारा, पसारा का अर्थ होता फैलाना, सिर्फ आपसे विनती की है, आपके अलावा किसी दूसरे के सामने कभी हाथ नहीं फैलाया मैंने।
तो प्रभु आप मेरी शरण शरणागति को स्वीकार करो, मुझे अपने शरण में लीजिए और मेरा कल्याण कीजिए। तो बेटा ये हमारी कविता है और मैं आपके ज्ञान के लिए एक बार फिर इसको गा करके बता देता हूँ, बाकी आप उसी प्रकार याद करेंगे। हमने ली है फकत एक तुम्हारी शरण, हमने ली है फकत एक तुम्हारी शरण, हे पिता और कोई सहारा नहीं, पतित पावन प्रभो आसरा दो हमें, पतित पावन प्रभो आसरा दो हमें, आसरा और कोई हमारा नहीं, ना तो विद्या न बुद्धि न भक्ति कबल, ना तो विद्या न बुद्धि न भक्ति कबल, आत्मा पे चढ़ा पाप कर्मों कमल, बिन तुम्हारी दया के न सकते संभल, बिन तुम्हारी दया के न सकते संभल, तुमने किस किस को स्वामी उबारा नहीं, सारे जन्मों में भगवन भटकता रहा, सारे जन्मों में भगवन भटकता रहा, मुक्ति पाने को हरदम तरसता रहा, यह विनती है मेरी पिता मान लो, यह विनती है मेरी पिता मान लो, हाथ आगे किसी के पसारा नहीं। इस कविता को अच्छी तरह याद करेंगे और सुनेंगे भी और पाठ को भी समझेंगे। कल आपको इसका अभ्यास कार्य भेज दिया जाएगा इन्हीं शब्दों के साथ। इति ओम शम।